फ्रेंड्स, एयरलाइंस अपडेट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, भारत से कुवैत जाने वाले प्रवासी और कामगारों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल एयर इंडिया एक्सप्रेस ने विंटर सीजन के लिए फ़्लाइट शेड्यूल की घोषणा की है। मिली जानकारी के अनुसार एयर इंडिया की विंटर सीजन की फ़्लाइट भारत और कुवैत के बीच संचालित की जाएगी। कहा जा रहा है कि मौजूदा समय में जब से कुवैत ने कोरोना के बाद लगे यात्रा प्रतिबंधों में छूट दी है और अपने यहाँ प्रवासी और कामगारों को वापस लाने के लिए छूट दी है, तब से बड़ी तादाद में प्रवासी और कामगार वापस कुवैत लौट रहे हैं। इसमें से ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है जो कुवैत में अलग अलग जगहों पर काम करते हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि भारत और कुवैत के बीच विंटर सीजन के लिए फ़्लाइट की नई लिस्ट जारी की है। ऐसे में अब यात्री मार्च 2022 तक फ्लाइट की टिकट बुकिंग करा सकते हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा जारी किए गए लिस्ट के अनुसार बुधवार को भारत के शहर मंगलौर और कुवैत के बीच फ्लाइट संचालित होगी, वहीं मंगलवार को कोझिकोड से कुवैत के लिए संचालित होगी। इसके अलावा मंगलवार को ही यही फ्लाइट वापसी करते हुए विजयवाड़ा पहुँचेगी और फिर कुवैत के लिए रवाना होगी। इसके अलावा गुरुवार को कोझिकोड, कोझिकोड से कुवैत, कुवैत से कोच्ची और फिर कोझिकोड के लिए फ़्लाइट संचालित की जाएगी। इसके अलावा शनिवार को कन्नौर से कुवैत के लिए यात्री डायरेक्ट फ़्लाइट बुक करा सकते हैं। वहीं शनिवार को ही भारत के त्रिची, कुवैत, विजयवाड़ा और त्रिची के लिए फ़्लाइट संचालित की जाएगी। जानकारी के लिए आपको बता दें, एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा संचालित की जाने वाली ये सभी फ़्लाइट की टिकट बुकिंग मार्च 2022 तक के लिए उपलब्ध है। ऐसे में जो यात्री या प्रवासी भारत और कुवैत के बीच यात्रा करना चाह रहे हैं, वे टिकट बुक करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एयरलाइन से जुड़ी ऐसी खबरें सुनने के लिए एयरलाइंस अपडेट चैनल को सब्सक्राइब कर लें।